Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 2 of class 6th history and the chapter's name is On the Trail of the Earliest People. मतलब इस चैप्टर में आज हम जानेंगे कि जो लोग आज से हजारों लाखों साल पहले रहते थे वो किस तरह का खाना खाते थे, वो किस तरह की लाइफ जीते थे, वो किस तरह के टूल्स यूज करते थे, राइट वो किस तरह की जगहों पर रहते थे. तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज हम इस चैप्टर में. तो एक बच्चा है तुषार जो कि दिल्ली टू चेन्नई जो है ट्रैवल कर रहा होता है अपने कज़न की वेडिंग के लिए. तो वो जो है खिड़की के पास बैठा होता है एकदम और बाहर देख रहा होता है, एकदम मज़े ले रहा होता है अपनी जर्नी के. तभी उसके अंकल आते हैं और उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है जो सबसे पहली ट्रेन थी वो आज से 150 साल पहले चली थी और उसके कुछ ही डिकेड बाद बसेस यूज़ होने लगी थी. अब तुषार ये सोचने लगता है कि भाई आज तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं ट्रेन की हेल्प से, बसेस की हेल्प से, एरोप्लेन की हेल्प से, शिप्स की हेल्प से, बट जब ये सारी चीज़ें नहीं थीं तब लोग किस तरह ट्रैवल करते थे? क्या तब भी लोग एक प्लेस पर ही रहते थे या मतलब पूरी ज़िंदगी वो एक ही प्लेस पर गुजार देते थे या तब भी वो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करते थे? सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव. मतलब तुषार का जो क्वेश्चन था कि क्या वो पूरा टाइम एक ही प्लेस पर रहते थे, तो इस टॉपिक से ये तो क्लियर हो जाता है कि नहीं, वो पूरा टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पर नहीं गुजारते थे, वो लोग ट्रैवल करते रहते थे, वो लोग मूव करते रहते थे. बट अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि वो लोग मूव क्यों करते थे. सो आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो लोग रहते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में उनको हम हंटर गैदरर्स कहते हैं. अब 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 2 मिलियन मीन्स 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उनको हम क्या कहते थे? हंटर गैदरर्स. अब उन्हें हम हंटर गैदरर्स ही क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो हंटिंग और गैदरिंग करके ही वो लोग चलाते थे, राइट? वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, वो फिश पकड़ते थे, वो बर्ड्स का शिकार करते थे. तो वो अलग अलग जानवरों को, मछलियों को, पक्षियों को वो लोग शिकार करते थे और फिर उनको खाने की तरह खाते थे, ठीक है? और इसके अलावा उन्हें हम गैदरर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग अब उस टाइम घर वगैरह इतने तो नहीं होते थे, वो लोग जंगलों में ही रहते थे. जो भी उनके शेल्टर्स वगैरह होते थे वो जंगलों में होते थे. तो जंगलों में क्या करते थे? वो लोग फ्रूट्स वगैरह इकट्ठे करते थे, रूट्स लेते थे, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स. तो ये सारी चीज़ें हैं वो जंगल से इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, इसलिए हम उन्हें गैदरर्स कहते हैं. तो हंटर गैदरर्स इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि वो हंटिंग और गैदरिंग करके अपनी गुजर बसर करते थे. अब क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको यहाँ पेड़ पौधे भी मिलेंगे, तो इसलिए उनकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता होगा ये खाना गैदर करना. गैदरिंग जो है फ्रूट्स रूट्स ये जो जितनी भी चीज़ें हैं गैदर करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा और मेन सोर्स होता होगा उनके फूड का, है ना? मतलब मेन जो अपना वो फूड गैदर करते होंगे वो प्लांट्स से ही करते होंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स था फूड का. अब आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम के लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी होती होगी, कुछ भी नहीं करना है, सुबह उठना है, खाना वाना ढूंढना है, खाना है और रात को सो जाना है. बट ये जो खाना ढूंढना है ना, जो हंटिंग और गैदरिंग है जिससे वो अपना खाना ढूंढते थे, तो वो इतनी ईजी नहीं होती थी. नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज ईजी टू डू. तो ये जो हंटिंग और गैदरिंग है वो इतना आसान नहीं था करना. अब क्योंकि उस टाइम लोग जो है जंगल में रहते थे तो बहुत सारे एनिमल्स का डर था, जो उनसे काफ़ी स्ट्रांग थे, उनसे फास्टर थे, तो एनिमल्स का बहुत ज़्यादा डर रहता था उन लोगों को. एंड शिकार करते वक्त उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अलर्ट, क्विक एंड उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए था, है ना? अलर्ट मतलब कि अब जैसे उनको ये देखना होता था कि एकदम चौकन्ना रहना कि कोई इधर उधर से कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कोई इन पर हमला तो नहीं कर रहा. अब क्विक क्योंकि जैसे उन्हें मछली वगैरह पकड़नी है, उन्हें बर्ड्स पकड़नी है, तो वो जल्दी से करनी होगी ना. ऐसे नहीं तुम देखते रह जाओगे तो वही तुम्हारा शिकार तो निकल गया. एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कि एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें किस तरह का एक्शन लेना है, किस तरह रिएक्ट करना है, एकदम करेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, राइट? अब प्लांट प्रोड्यूस इकट्ठा करना जो होता था वो भी इतना ज़्यादा आसान काम नहीं होता था. उन लोगों को देखना होता था कि भाई कौन सा पार्ट एडिबल है ना, किस पार्ट को खाया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई कुछ पार्ट पॉइजनस हो, है ना? उन लोगों को ये देखना होता था कि भाई किस पार्ट को खाया जा सकता है, कौन सा सही रहेगा, कौन सा नहीं, है ना? और उनको ये भी देखना होता था कि भाई कौन सा फ्रूट जो है किस सीज़न में उग रहा है, किस सीज़न में वो पक रहा है, खाने के लिए तैयार हो रहा है. तो ये सारी चीज़ों का उन्हें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता था. सो हमारा टॉपिक था द अर्लीस्ट पीपल,
एंड वाई वर दे ऑन द मूव. तो हमने ये तो देख लिया कि अर्लीस्ट पीपल जो है किस तरह रहते थे, वो किस तरह अपना गुजर बसर करते थे, वो किस तरह हंटिंग गैदरिंग करते थे. अब ये देखते हैं कि वो लोग मूव क्यों करते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस. तो अब मेन फोर रीजन हैं जिसकी वजह से जो है हंटर गैदरर्स मूव करते थे. तो पहला है, मान लो कि जो लोग हैं, जो हंटर गैदरर्स हैं, वो एक प्लेस पर बहुत ज़्यादा देर के लिए रुक गए, है ना. तो अब क्या होगा, क्योंकि वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहे हैं, तो क्या होता था कि वो कभी कभी जो वहाँ का प्लांट्स एंड एनिमल का जो पूरा रिसोर्सेज है वो उसको यूज़ कर लेते थे. उन्होंने सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे के जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो मैक्सिमम जो है कंज्यूम कर लिया है. काफ़ी सारे एनिमल्स को उन्होंने मार दिया है, शिकार कर लिया है. तो अब क्या है कि अब उनको इतना ज़्यादा खाने के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज तो उन्होंने यूज़ कर लिए. तो क्या होता है, जीना तो है ही, खाना तो खाना ही पड़ेगा. तो क्या होता था, खाने की तलाश में फिर वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते थे, मूव करते थे, कि अब यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया, अब दूसरी जगह ऐसे ढूंढते थे जहाँ सब कुछ मिल रहा हो, जहाँ खाना अवेलेबल हो. अब जो सेकेंड रीज़न है, मान लो जो एनिमल्स हैं वो भी, जैसे फर्स्ट रीज़न में आपको बताया कि वो लोग एक जगह का रिसोर्सेज पूरा यूज़ कर लेते थे तो ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो ऐसे ही एनिमल्स भी जो होते थे वो भी कभी कभी क्या होता था कि एक प्लेस का जो है मैक्सिमम रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ कर लिया. अगर मान लो कोई डियर वगैरह है ना, तो उन लोगों ने मान लो वहाँ की मेन मोस्टली जो ग्रास है वो खाली है, अब इतना ज़्यादा खाने के लिए नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाते थे जहाँ उन्हें अच्छी घास वगैरह खाने के लिए मिले. अब इन्हीं के पीछे पीछे जो डियर वगैरह हैं, जो रैबिट वगैरह हैं, जो ऐसे जानवर हैं जो घास पर डिपेंड करते हैं, अब वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गए. अब जो बड़े एनिमल्स हैं, मान लो शेर है, चीता है, ये तो इनको ही खाते हैं, ये तो डियर वगैरह इन सबको खाते हैं, तो क्योंकि इन लोगों ने मूव कर दिया तो शेर चीता भी इनके पीछे पीछे चले जाएंगे, है ना. अब इसीलिए जो हंटर गैदरर्स हैं वो तो सभी तरह के जानवरों का शिकार करते थे, वो तो चाहे चीता वगैरह हो उनका भी कर लेते थे, वो तो डियर हो इन सब का भी करते थे. तो अब क्योंकि जानवरों ने सब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर चुका है, तो अब इनके पीछे पीछे हंटर्स जो थे वो भी मूव कर देते थे. सो दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट. तो जो भी लोग उनका शिकार करते थे उनको भी उन्हें फॉलो करना पड़ता था, उनको भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था. तो इस तरह उन लोग की मूवमेंट हो जाती थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस. अब तीसरा हमारा जो रीज़न है वो ये है कि जो प्लांट एंड ट्रीज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में फ्रूट बेयर करते हैं. मतलब कुछ पेड़ों पे एक सीज़न में फ्रूट लगता है और दूसरों में दूसरे सीज़न पे. तो मान लो जो लोग हैं वो एक ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं कि जहाँ पे एक ही सीज़न में कुछ, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो एक ही सीज़न में फ्रूट दे रहे हैं, है ना. बट जब दूसरा सीज़न आएगा तब वो क्या करेंगे, तो एक सीज़न में वो लोग यहाँ रह लेंगे. अब दूसरे सीज़न में क्या करते थे, वो लोग मूव कर देते थे, वो ऐसे जगह जाते थे जहाँ दूसरे सीज़न में फ्रूट उग रहा हो, राइट, जहाँ उनको खाने के लिए मिल रहा हो सामान. तो इस तरह वो सीज़न वाइज भी चेंज करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे. अब चौथा रीज़न है, जो पीपल हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको पानी तो चाहिए होता है जीने के लिए, राइट. विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. अब पानी हमें मिलता कहाँ से है, लेक से मिलता है, स्ट्रीम्स से मिलता है, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स से मिलता है, तो इन सब चीज़ों से हमें पानी मिलता है. अब कुछ जो रिवर्स और लेक्स होते हैं वो होते हैं पेरिनियल, पेरिनियल मतलब जिनमें पूरे साल भर जो है पानी होता है. बट कुछ जो होते हैं वो होते हैं सीजनल, मतलब उनमें एक सीज़न में ही पानी मिलेगा, दूसरे टाइम पे पानी कम हो जाता है, नहीं मिलता. तो जो लोग, मान लो जो लोग सीजनल सोर्सेज के पास रहते थे, तो एक सीज़न में तो उन लोगों को पानी अच्छे से मिल जाता था, बट दूसरे सीज़न में क्योंकि अब पानी ही नहीं है, तो उन लोगों को पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था, मूव करना पड़ता था. सो ड्राई सीजन है जो कि विंटर एंड समर, तो इनमें उन लोगों को क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था पानी की तलाश में. अब इन सभी रीजन्स के अलावा लोग उनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को मिलने के लिए भी मूव करते थे. हो सकता है फ्लड वगैरह की वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, कि मान लो एक प्लेस है वहाँ बार बार बाढ़ आ रही है, वहाँ बार बार फ्लड आ रहा है, तो उन लोगों को क्या होता था कि चलो छोड़ो यार यहाँ नहीं रहना, तो दूसरी जगह चले जाते थे. कुछ लोग होता था ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए मूव करते होंगे कि भाई यहाँ तो ये है, दूसरी जगह चलो चल के देखते हैं कि क्या है कैसा है, है ना, नई नई जगह ढूंढने के लिए निकलते थे. तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं उनका मूवमेंट के. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. सो वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो.